सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख लो भैया, ये खड़ा हुआ है जहाज जोड़ने के लिए। किसके? चार पाँच घंटे। बहुत ज्यादा बड़ा पानी है गाइस, आपको मिलेंगी। और अभी नेक्स्ट बच्चों के लिए झूले भी हैं। अभी आगे आगे हम घूमने के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, पैर दुखने चालू हो जाएंगे। ये देखो चिंटू बंटू खेल ले भाई, एक आध पेड़ निकाल के ले चलो घर की तरफ। ये अटल जी की फोटो थोड़ी ना यार। उसके बाद में हम आ गए इधर जनेश्वर पार्क। ये पीछे खड़ा है भाई, उड़ आगे चलते हैं, आगे का नजारा देखते हैं। एशिया का भाई सबसे बिगेस्ट पार्क है, वहाँ पे भी चलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है ना। तो पर आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, देखना पूरा एंड तक है ताकि आपको समझ में आए और अच्छा लगे। और बहुत गर्म हो रही है भाई लखनऊ के अंदर, इतनी गर्म हो रही है, आग जल रही है। पर आग जल रही है तो भाई अपना सेफ्टी के साथ में निकलना ज़रूरी है। तो आप पहले ग्लव्स पहनिए, उसके बाद में स्किन में कोई जो कवर वगैरह लगाने वाला वो लगाइए, और उसके बाद में चलिए। और ज़्यादा स्पीड हम लोग चलेंगे नहीं, हम लोग नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, है ना। और बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्त लोग, सब लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो यार कम से कम आप लोग के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। बहुत तेज हो रहे हैं। थोड़ा सा लखनऊ, और ये रोड जो गई है आपकी, ये सीधे जाएगी गोमती नगर। और बहुत खूबसूरत है भाई, इधर ही है हमारा घूमने का इलाका, ही यही है भाई सबसे बेस्ट है। ठीक है भाई, देख रहे प्यार से, देखो भाई लखनऊ का नज़ारा देख लो। बहुत कम लोग हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो लखनऊ का नज़ारा देखते हैं। ठीक है, इतना खूबसूरत है लखनऊ। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और क्या खूबसूरत है। रोडें देख लो कितने खूबसूरत है भैया, दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे आओगे। और ख़ास करके ये वाली VIP रोड पे। तो इलाके की बात की जाए तो भाई नंबर वन का है भाई अपना लखनऊ। ठीक है, अपने को ऐसी लैंग्वेज आती है बोलने के लिए। ये वाली रूट से ना मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। गोमती नदी, और गोमती नदी के पार करते ही आपको मिलेगा मरीन ड्राइव। पर पहले मरीन ड्राइव में बाइक वाइक चलाने देते थे, अब नहीं चलाने देते क्योंकि यहाँ पे बहुत से कांड हो चुके हैं इस वजह से। और वो सामने रहा ताज जैसा जो दिख रहा है आपको, वो रहा ताज होटल। ठीक है, इसके ये मूर्ति के जो पीछे है वो ताज होटल है, अभी दिखाऊंगा, हल्का सा वाइट वाइट सा दिखेगा। ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा, ये ताज होटल है। और वो सामने जो आपको दिख रहा है, वो सामने वो रहा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क रहा। बहुत खूबसूरत है पार्क, उसके अंदर जाने मिलेगा। ये मायावती जी की फ़ोटो है, उसके ठीक बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, इधर भी बने हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके साथ में उनके बगल में उनकी मिसिस की फ़ोटो बनी हुई है। ठीक है, और भैया बहुत गर्मी हो रही, दवा के ख़तरनाक आली अभी यहाँ पे, वाली गर्मी वाला शॉट चल रहा है, हाई गर्मी वाला। तो भैया यहाँ पे गर्मी गर्मी चल रही है, गर्मी। हाँ दिखा दिया वो। जनेश्वर पार्क जा रहे हैं लोग। तो भाई हमारी हो गई शॉपिंग, राइडिंग पैंट खरीद लिया, अब उसके बाद में अब चल रहे हैं जनेश्वर पार्क, और वहां पे बनाएगी आशी अपना दवा के वीडियो, है कि नहीं। ये देखो भाई आ गया सहारा का, सारा इंडिया परिवार का घर। भाई जब ये खुलता था ना उस समय, इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत देख के दिल खुश हो जाएगा। पर आज के टाइम में शायद इसके अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, है ना। पर इसके अंदर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। सुब्रतो राय जी का घर भी इसी के अंदर है, सब कुछ है इसके अंदर, सारा इंडिया परिवार का पूरा घर है इसके अंदर भाई, नंबर वन है भाई। राइडिंग पैंट लिए, उसके बाद में हम आ गए इधर जनेश्वर पार्क। ये पीछे खड़ा है भाई, उड़ने के लिए तैयार है जेड अपना, फोटो लगी हुई है। और आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा देखते हैं। आशी एकदम गोरी हो चुकी है धूप से जल जल के, हमने अपने आपको बहुत ज्यादा कवर अप करके रखा है, पूरा तो खुला है तेरा।
वीडियो में शक्ल तो दिखानी पड़ेगी ना अभी। चलते हैं गणेश पार्क दिखाते हैं। देखे चश्मा कितने का मांग, किसका मांग के लिए है? मांगा नहीं है मेरा चश्मा। देख लो भैया ये खड़ा हुआ है जहाज जोड़ने के लिए। किसके? चोरी का चश्मा। चोरी का। तो भाई ये देखो बहुत बड़ा है पार्क यार, इसको घूमने के लिए ना कम से कम आपका लग जाएगा टाइम कितना? 4-5 घंटे तो मैक्सिमम लगेंगे। 4-5 घंटे बहुत ज्यादा बड़ा पार्क है। अभी तो हम लोग को हाफ ऑफ द पोर्शन में भी नहीं आए गाइस, तो आज ही पोर्शन स्टार्ट हुआ है इसका। वो देखिए वहाँ पे एक प्यारा सा यहाँ पर लेक भी बन रखा है, यहाँ पे फिशेज भी है गाइस आपको मिलेंगी, प्यारी सी फिशेज होती है। यहाँ पर ब्रिज बन रखा है उस साइड पर, और अभी नेक्स्ट बच्चों के लिए झूले भी हैं। अभी आगे आगे हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, चलते रहिए हमारे साथ, आइए। तो भाई यहाँ पे ना घूमने के लिए तो बहुत बढ़िया है ठीक है, पर यहाँ पे ना इतना बड़ा पार्क है ना, घूम घूम के दिमाग खराब हो जाएगा, पैर दर्द होने स्टार्ट हो जाएंगे। इतना बड़ा पार्क है गाइस कि आपके पैर दुखने चालू हो जाएंगे सीरियसली। और पिकनिक भी बना सकते हैं ना, पिकनिक देखिए फैमिली अपने आ रही है। ये देखो चंटू बंटू खेल ले भाई, एक आध पेड़ निकाल के ले चलो घर की तरफ, घर के। अरे कहना क्या चाहते हो? कुत्ते उत्ते सब आते हैं यहाँ पर। कौन कौन? कुत्ते भी आएंगे, कुतिया भी आती होंगी। कुतिया आती की नहीं आती है? बैटरी फुल हो गई, थक के हो चुकी है चूर चल चल के, और ये बैठ गई है इस जगह, एक जगह पे अकेले। और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और नेपाली गाना सुन रही है। नेपाली बोलनी आती नहीं, नेपाली गाना सुन रही है।